हरे कृष्णा। तो हम आज आपको पहला मंत्र सिखा रहे हैं दादर ताल का, जैसे दो ताल कहते हैं उसको आप दामोदर अष्टकम में भी बजा सकते हो। ये बहुत सिंपल है लेकिन कुछ नए बोल आपको सीखने होंगे। तो पहले मंत्र को देखते हैं, जो लिखा हुआ से बोलते कैसे हैं और बजता कैसे है। मंत्र है धा धिन ना 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 तिन ना ना, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अब डुग्गी भी बजेगा। देखिए धा धिन धा धिन ना 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 तिन ना ना धा धिन ना 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 तिन ना धा धिन ना 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 तिन धा धिन ना 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 तिन धा धिन ना 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 तिन ना। अब ये कैसे बजते हैं जरा देखिए। धा मतलब ता और डुग्गी, तो डुग्गी कैसे, धा का ना तो समझते हैं ता ता, लेकिन एक डुग्गी कैसे बजता है चलो देखना पड़ेगा। डुग्गी में आपके हाथ का ये जो भाग है, पूरा हाथ नहीं आएगा केवल ये कॉर्नर वाला भाग, जो थंब के थंब जो आपके एकदम पास में होता है, थंब का एज कह दीजिए, ये थंब का रूट, उसको यहां पे दबाना है आपको, और अपनी जो मिडिल फिंगर है इससे आपको हिट करना है एकदम एज पे जहां मसाला खत्म होता है वहां पे। पहले ऐसे बजाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद उसको दबाने का प्रयास कीजिए। ना 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 जिन ना ना ना, जो सॉफ्ट तरीके से दाब बजा जा रहा है उसके बाद जिन करेंगे तो ऐसे करते। तो उम्मीद है कि आप थोड़ा अभ्यास करेंगे, अभ्यास करना पड़ता है, इससे आपका जिन बजाने का अभ्यास भी हो जाएगा। और इसमें रिवर्स भी मारा जाता है, ऐसे मारा और उसके बाद ऐसे ले लिया। तो ये सब चीज सीखनी होंगी तभी आप आगे लोफड़ा ताल पा बजा पाओगे। तो कैसे बज रहा है देखिए। हा यहां पे आपको घिसटाना नहीं है, केवल पहला बजाएंगे हा। अब धिन जब बजाएंगे तो घिसटा देना है, उसी धा को घिसटा देना है। देखिएगा धा धिन धा, ता भी बज रहा साथ में धा धिन धा धिन धा जिन जिन, थोड़ा क्षमा कीजिएगा तो ता नहीं बजेगा धा जिन इतना बजाइए धा जिन जिन। इसलिए बोल रहा हूं ऐसे बोलने के लिए धिन बोलते हैं, लेकिन जिन मतलब उसको घिसटा देना, इसलिए स्पष्ट बोल रहा हूं धा जिन ना 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 मतलब ताता, उसी तरह से धा जिन ना ना धा जिन ना ना, उसके बाद ना ना ती ना ना, समझ लीजिएगा ना ती, एक मिनट फिर से बताते हैं धा जिन ना 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 तीन ना ना, तीन यहां पर अर्थ है की, क्यों बचता है उस तरह से। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ना की ना ना कर सकते हैं, इजी होगा। धा धिन ना 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 ती ना ना धा धिन ना 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 ती ना ना, तो तीन बोल सकते हैं, वो बोलने में आसान होता है इसलिए ऐसा मंत्र बोला जाता है। मंत्र होगा धा जिन ना 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 ती ना ना धा जिन ना 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 ती ना ना। मैं की बोल रहा हूं लेकिन मंत्र सुनने में अच्छा नहीं लगता इसलिए तीन बोलते हैं। देखिए धा जिन ना 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 तीन ना ना धा जिन ना 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 ती ना ना धा जिन ना 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 तीन ना ना धा जिन ना 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 तीन ना ना धा जिन ना 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 तीन ना ना। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए धा जिन ना 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 तीन ना ना। अब इसे कैसे हरे कृष्ण में गाएंगे, जैसे दामोदर अष्टकम की ट्यून लेंगे हरे कृष्ण